मेहर में किए जा रहे खाद्यान्न घोटाले को लेकर कांग्रेस नेता रामनिवास उमरलिया ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सख्त कार्यवाही की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामनिवास उमरलिया ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि शारदा विपणन सहकारी समिति मेहर द्वारा खरीदे गए गेहूं को अमानक स्थिति में वेयरहाउस में रखा गया है, जो लगभग 75% खराब है। अब सवाल ये उठता है कि बुरी तरह क्षतिग्रस्त गेहूं को वर्तमान में छानबीन किए जाने का काम चल रहा है और बाद में इसे गरीबों में वितरित कर दिया जाएगा। प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी इस पर संजीदगी से कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रहा है? उन्होंने संबंधित समिति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने की मांग की है। इतना बड़ा माल जो गरीब किसान भी मर रहा है आज बेचारा, और यही के सड़ा हुआ गेहूं आप लोग देख सकते हैं कि सड़ा हुआ गेहूं जो है और किसानों को जाके गरीबों को बंटवाया जाएगा। सरकार कहती है कि हम फ्री में राशन बांट रहे हैं, तो फ्री में क्या है? सड़ा गेहूं जो जहरीला हो गया आज उसको छनवाया जा रहा है, जो कि जहर बन चुका है, और वही गेहूँ कल फिर बांट दिया जाएगा। मेरा शासन सुशासन से निवेदन है, आप मीडिया के माध्यम से मैं पहुँचाना चाहता हूँ अपनी बात, इसमें तत्काल कार्रवाई होना चाहिए और FIR होना चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।